नमस्कार, मैं हूं राखी सिंघल और आप देख रहे हैं समाचार सिटी 24। आज हम आपको जो बताने वाले हैं वो आप सभी के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। आपको बता दें कि 10th और 12th की जो परीक्षाएं हैं वो बेहद नज़दीक हैं। जी हां, आपको बता दें कि 18 फरवरी से 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि कौन सी परीक्षाएँ कब कब होने वाली हैं। 18 फरवरी, सबसे पहले मैं 10वीं की परीक्षाओं के बारे में बता रही हूँ। 18 फरवरी यानी मंगलवार को सुबह 8 बजे से 10वीं का पहला पेपर होगा और वो होगा हिंदी का। जी, उसके बाद 20 फरवरी यानी बृहस्पतिवार को गृह विज्ञान का पेपर है। उसके बाद 22 फरवरी को अंग्रेजी का, 25 फरवरी को गणित विषय का, 27 फरवरी को सामाजिक विज्ञान, 28 फरवरी को संस्कृत विषय का पेपर है, 29 फरवरी को विज्ञान विषय का यानी कि साइंस का पेपर है आपका, और 2 मार्च को है चित्रकला यानी कि ड्राइंग का पेपर। और इसी के साथ आपकी जो परीक्षाएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी 2 मार्च को, यानी कि आपकी जो 10वीं की परीक्षाएं हैं वो अंतिम जो परीक्षा है वो 2 मार्च को है। अब मैं आपको 12वीं की जो परीक्षाएं हैं वो कब कब हैं वो एक बार आपको बता देती हूँ। समय रहेगा 12वीं की परीक्षा का दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक। सबसे पहला पेपर होगा यानी कि 18 फरवरी को सामान्य हिंदी का, 20 फरवरी को चित्रकला का पेपर होगा सुबह 8 बजे से, और शाम की पाली में जो पेपर होगा वो होगा भूगोल भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स का पेपर, और ये है गणित वर्ग के लोगों के लिए बिल्कुल। और 22 फरवरी को पेपर होना है गृह विज्ञान का। 12वीं की परीक्षाओं की जो तिथि है वो मैं आपको बता रही हूँ। 24 फरवरी को पेपर होना है नागरिक शास्त्र यानी कि सिविक्स का पेपर, 26 फरवरी को अंग्रेजी विषय का पेपर है, 28 फरवरी को इतिहास यानी कि हिस्ट्री का पेपर है, और 29 फरवरी को पेपर है आपका जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का, और 4 मार्च को पेपर है संस्कृत, और 5 मार्च को पेपर है समाजशास्त्र का। और इसी के साथ 12वीं की जो परीक्षाएँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। जो आर्ट जिनके पास है उनकी ये परीक्षाओं की तिथि मैंने आप सभी को बताई है, और ये इन्फॉर्मेशन आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि और ये भी बहुत ज़रूरी है कि अच्छे से पढ़ाई करें, मन लगाकर पढ़ाई करें और डिप्रेशन में बिल्कुल भी ना जाएं। शुक्रिया।